व्यूअर्स वेलकम टू लक्ष्मण ऑटो स्टोर साइन। आज टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की बेस वेरिएंट हम आपके आगे लाए हैं। ये गाड़ी के अंदर कंपनी की तरफ से टोयोटा की तरफ से कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं था इन टर्म्स ऑफ द एक्सटर्नल लुक एज वेल एज द इंटीरियर लुक। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या एक्सेसरीज पे काम किया है। आप अगर फ्रंट लोगो देखेंगे गाड़ी का तो यहाँ पे एक इनोवा की बैचिंग हमने प्रोवाइड की है। आप टोयोटा मोनोग्राम के बाजू में जो ग्रिल देखेंगे कंपनी की, वो ऐसे ब्लैक एम्बेजलमेंट में आती है। यहाँ पर हमने क्रोम गार्निश ऐड की है ऑन बोथ द साइड्स। एक साइड में यू क्रोम आती है वो हमने प्रोवाइड की है। आप खाली ग्रिल का ही लुक देखेंगे तो ये दो क्रोम से ग्रिल में काफ़ी लुक में चेंजेस आते हैं। फ्रंट में हेडलाइट में हमने क्रोम गार्निश ऐड की है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं तो जो फ्रंट की प्रोफाइल है गाड़ी की, वहाँ पर हमने क्रोमियम लुक ऐड किया है। एंड जैसे कि ये गाड़ी के अंदर बम्पर प्रोटेक्टर स्पेशलाइज आते हैं, ये यूनिवर्सल बम्पर प्रोटेक्टर्स नहीं है, गाड़ी के बम्पर के शेप के हिसाब से ये बम्पर प्रोटेक्टर्स बने आते हैं। एंड अगर आप साइड प्रोफाइल गाड़ी की चेक करेंगे, यहाँ पे हमने एक स्पोर्टी लुक के लिए साइड वेंट इंस्टॉल किए हैं। आप अगर ये लुक चेक करेंगे तो व्हील आर्क यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हमें हाई क्रॉस में बोलते हैं कि उन्हें क्रोमियम वाले व्हील इंसर्ट चाहिए, सो दिस इज एन एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो कि आप पूछ रहे हैं हमसे। अगर आप साइड मिरर की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे क्लाइंट ये कंप्लीट मिरर पे क्रोम लगाते हैं, बट यहाँ पर हमने खाली स्लीक लुक दिया हुआ है। अगर हम लोअर विंडो गार्निश की बात करेंगे, यहाँ पे हमने लोअर विंडो गार्निश इंस्टॉल की है जो थ्रू आउट जाती है यहाँ से टू द रियर टू द लास्ट टू सीट्स। अगर हम डोर वाइजर की बात करेंगे तो हमने इसमें SIPL के क्रोम लाइन डोर वाइजर्स इंस्टॉल किए हैं जो कि न्यू एडिशन है कंपनी का। हाईक्रॉस लिखा हुआ आता है वो डोर वाइजर्स के अंदर, बहुत ही स्टर्डी क्वालिटी के डोर वाइजर्स आते हैं। आप डोर की तरफ देखेंगे तो इनोवा लिखा हुआ डोर साइड बीडिंग इंस्टॉल किया है। एंड अगर आप रियर की बात करें तो रियर में हमने वो क्रोमियम जो आगे इंस्टॉल किए जैसे हेडलैम्प किए, तो हमने वहाँ पर टेल लैम्प का पैर कंप्लीट किया है। और यहाँ पर हमने एक रियर आई कैप क्रोम जैसे रियर रिफ्लेक्टर क्रोम बोलते हैं वो इंस्टॉल किया ऑन बोथ द एंड्स। गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वहाँ पर नंबर प्लेट पर लाइसेंस लैम्प क्रोम जिसे हम बोलते हैं वहाँ पर एक ये इंस्टॉल किया है। तो ऑल एंड ऑल अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक स्पॉइलर क्रोम ऐड किया है हमने गाड़ी के लिए। तो आप पीछे से अगर गाड़ी की प्रोफाइल चेक करेंगे तो यहाँ पर एक लिप स्पॉइलर क्रोम ऐड किया है, टेल लैम्प क्रोम गार्निश है, लाइसेंस लैम्प क्रोम है एंड यहाँ पर रियर आई कैट क्रोम दिए हैं। तो आइए चलते हैं गाड़ी में, एक बार इंटरनली देखते हैं गाड़ी में इंटरनली क्या क्या चेंजेस किए हमने। तो इंटरनल में हमने यहाँ पर कम्प्लीटली ब्लैक एंड ब्राउन कलर का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर आप पूरे इंटीरियर चेक करेंगे, हमने यहाँ पर जो सीट कवर्स हैं, अगेन जो एंटीलो ब्रांड के प्रीमियम पैडिंग एडिशन आती है, हमने वो इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पे आप सीट कवर की फिटिंग अगर चेक करेंगे तो अगेन जो प्रीमियम फिनिशिंग आती है वो प्रीमियम फिनिशिंग आपको मिलेगी। पैडिंग में हमने अगेन सेम जो वॉलनट कलर विद ब्लैक स्टिचिंग होती है वो ब्लैक स्टिचिंग यहाँ पर प्रोवाइड की है। एंड ये गाड़ी में हमने एक अलग चीज़ ट्राई की है, जैसे आपने हमारा प्रीवियस हाईक्रॉस का वीडियो देखा रहेगा, इनविक्टो का वीडियो, वहाँ पर हमने कार्बन फाइबर फिनिश दी है, यहाँ पर हमने वुडन फिनिशिंग दी है गाड़ी में। सो ये वुडन फिनिशिंग आती है गाड़ी के अंदर। ये जो पावर विंडो स्विच है मीटर में वो ही वुडन पैनलिंग प्रोवाइड की है। अगर आप इंटीरियर की तरफ बात करें तो इंटीरियर में हमने जो कंपनी की तरफ से इंफोटेनमेंट लगा हुआ आता है वहाँ पर कंप्लीट पैनल हमने चेंज कर दिया है। सेम कॉन्सेप्ट हमने वो साइड के डोर पर इंटीग्रेट किया है जहाँ पर हमने वुडन पैनलिंग की है, एंड यही सेम कॉन्सेप्ट हमने पीछे के डोर्स में भी किया है। अगर हम स्टेयरिंग की बात करें तो अगेन एक स्पोर्टी फील के लिए हमने यहाँ पर स्टेयरिंग में स्टेयरिंग रैप प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पर हमने हॉर्न की भी जो हॉर्न पैड है वहाँ पर भी रैपिंग प्रोवाइड की है। तो ये जो आप लुक देख रहे हैं ब्लैक एंड वॉलनट, इससे स्टेयरिंग काफ़ी प्रीमियम फिनिश में आ रही है, प्लस यहाँ पर जो हमने पैनलिंग प्रोवाइड की है वुडन, ये वुडन पैनलिंग प्रोवाइड की है। सो ऑल एंड ऑल ये गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर का कॉन्सेप्ट है वुडन पैनलिंग से काफ़ी उठकर आया है। अगर आप डैशबोर्ड की तरफ ध्यान देंगे तो डैशबोर्ड में एंटायर डैशबोर्ड नहीं बट जो ग्लव बॉक्स के यहाँ पर आता है रैपिंग प्रोवाइड की है, जो ये एक छोटी सी स्ट्रिप आती है वहाँ पर किया है एंड यहाँ पे राइट साइड पे किया है अबव द एसी वेंट्स। सो बोथ एसी वेंट्स
हैव बीन रैप्ड, द डोर पैड्स हैव बीन रैप्ड, जो वुडन पैनलिंग आ सकती है इन टर्म्स ऑफ पावर विंडो स्विचेस, इन टर्म्स ऑफ द टच स्क्रीन, वहाँ पर हमने वुडन पैनलिंग प्रोवाइड की है. सो ऑल एंड ऑल एक हाईक्रॉस में हमने कंप्लीट इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का गेटअप दिया है. प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो आपको हमारा काम कैसा लगा. थैंक यू.